गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं आज आपको लेकर आया हूँ एक ऐसे मंदिर में जो इंडिया का एकमात्र मंदिर है, भरत जी का मंदिर। भरत जी श्री राम के भाई, भरत जी का मंदिर है और ये केरल में इरिनालकुडा में स्थित है। और इस मंदिर के की स्थापना एक जैन ने की थी, जो जैन कोई एक जो महाराज थे उन्होंने इसकी स्थापना की है और बहुत सुंदर मंदिर है। तो इसकी वीडियो मैं सिर्फ 10 मिनट की लेकर आया हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंटीरियर का मैं वीडियो नहीं ले सकता क्योंकि इसके अंदर मोबाइल बिल्कुल ले नहीं जा सकते, तो बाहर का जो भी है मैं आपको दिखा दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब चलते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर के साथ जस्ट अटैच में ये एक बहुत बड़ा कुंड बना रखा है जिसको मलयालम में कोलम कहा जाता है। कोलम यहाँ पर इसलिए बनाया जाता है कि जो भी मंदिर पुराने टाइम में, ये मंदिर के अंदर एक सिस्टम था कि जब भी आप पुराने टाइम के अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए आओ तो एक बार यहाँ पर नहा धोकर स्वच्छ होकर ही मंदिर के अंदर प्रवेश करें। आजकल हम घर से नहा के आ जाते हैं, पर पहले ये था कि आप यहाँ आइए, नहाइए, नहाने के बाद आप अंदर जाके शुद्ध होकर दर्शन करिए। मेरे पीछे है ना ओमी भैया के साथ में मेरे पापा भी हैं। पापा की थोड़ी तबीयत ख़राब है तो भी हम लेके आए थे साथ में। पापा के बिल्कुल, पापा को पता था ये मंदिर कहाँ पर है तो दर्शन करने के लिए आए। पापा ने बताया कि इसके चारों तरफ भी तालाब है, मतलब इधर भी तालाब है, पीछे भी तालाब है, राइट साइड में भी तालाब है और फ्रंट में भी इसके कहीं तालाब है, मतलब चारों तरफ इसमें तालाब है। तो जो भी आप यहाँ पर आप जी ये जो देख रहे हैं ना दीवार पर, ये सब दिए लगे हुए हैं और ये पूरे मंदिर के चारों तरफ लगे हुए हैं। इसमें ये होगा कि किसी त्यौहार के टाइम में, जब भी त्यौहार आते हैं उस त्यौहार के टाइम में ये पूरे दियों में तेल या घी डाल के फिर पूरे दिए लगाए जाते हैं। ये मंदिर पूरा जगमग उठता है, बहुत ही सुंदर लगता है ये। जी ब्लास्ट नहीं,